अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेचुरल गैस, ठीक है। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे और टॉपिक है नेचुरल गैस। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की अबाउट कोल क्या था, कोल कैसे बना, और इसके अलावा कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास क्या मुराद है। तो अभी हमने डिस्कस करना है नेचुरल गैस, तो चलें स्टार्ट करते हैं। नेचुरल गैस इज द सेकेंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो नेचुरल गैस एक्चुअली में हमारे पास है क्या, ये हमारे पास मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन्स का। किसका मिक्सचर है, हाइड्रोकार्बन्स का। अब ये हाइड्रोकार्बन्स कोई आम हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, बल्कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा लो है। तो मतलब दीज आर द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स मतलब एक्चुअल में हम किसकी बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि गैसेस हैं उनका ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल गैस इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जिनका ये हमारे पास क्या है, मिक्सचर है। अब ये गैसेस कौन कौन सी आ जाती हैं, आप ये तीन गैसेस नोट कर लें। ज्यादातर तो हमारे पास यही गैसेस प्रेजेंट होती हैं नेचुरल गैस में। इनमें हमारे पास सबसे पहले जो आ जाती है दैट इज मीथेन। मीथेन कौन सी, मतलब CH4 गैस, जो कि हमारे पास मेजर कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट होती है मोर देन 85%, ठीक है। आप ऐसे लिख लें कि ये तकरीबन 85% से ज़्यादा ही प्रेजेंट होती है नॉर्मली नेचुरल गैस में। दूसरी जो मोस्ट अबंडेंट हमारे पास जो गैस है जो नेचुरल गैस के अंदर होती है, दैट इज ईथेन, ठीक है। उसका फार्मूला होगा C2H6, और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2% से लेके 8% तक हमारे पास प्रेजेंट हो सकती है, ये कंटेंट वेरी करता है। तीसरी गैस जो हमारे पास मोस्ट अबंडेंट है वो हमारे पास है प्रोपेन, और प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H हमारे पास हो जाएगा 8, और ये हमारे पास 1-2% प्रेजेंट हो सकती है। तो ये आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन आपने जहन में रखना है, बाद में काम आएगा, एंटी टेस्ट में काम आ जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स व्हिच इंक्लूड मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। ये आपने एडिशनल ऐड कर लेना है, ठीक है। अब ये बनती कैसे है, बनती बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमारे पास कोल बनता था। मतलब क्या, हमारे पास जो कोल था वो वुड, आपने वुड की एग्जाम्पल पढ़ी, वुड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। वुड कह लें या फिर आप कह लें ऑर्गेनिक मैटर। तो असल में जब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो ये भी हमारे पास इनकी डीकम्पोजिशन से ही बनी है, इनकी डीकम्पोजिशन के रिजल्ट में। आप डीकम्पोजिशन आपने पढ़ा दो तरह से हो सकती थी, या तो वो हमारे पास बैक्टीरिया करता था, बैक्टीरिया कैसे करता था, बाय एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है। तो एंजाइमेटिक एक्शन से हमारे पास ये डिकम्पोजिशन हुई थी, या फिर हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे पास ये डिकम्पोजिशन हुई। तो चाहे जैसे भी डिकम्पोजिशन हो, तो वुड या ऑर्गेनिक मैटर की जब बहुत ज़्यादा डिकम्पोजिशन होती है तो डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं जो कि हमारे पास कौन से फॉर्म में होते हैं, गैशियस फॉर्म में होते हैं। मतलब वो हमारे पास क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। अब ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस याद रखिएगा हमारे पास हो रहा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। कौन सी रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ पे होती हैं, अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा शो कर दूं कि अगर ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट है, तो अर्थ क्रस्ट को मैं यहाँ ऐसे शो कर रहा हूँ। अर्थ क्रस्ट के नीचे हमारे पास बहुत सारी रॉक्स प्रेजेंट हैं ऐसे, ठीक है। अब इन रॉक्स के दरमियान यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डीकम्पोजिशन के रिजल्ट में हमारे पास कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती रहती हैं, और उन गैसेस को फिर हम ड्रिलिंग करके निकाल लेते हैं। अब ये जो गैस, क्योंकि हमने नेचुरली निकाल ली है अर्थ क्रस्ट से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस हमारे पास बेसिकली डीकम्पोजिशन से ही बनी है, बट डीकम्पोजिशन कहाँ पे हुई है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, और ये बहुत ज्यादा डीकम्पोजिशन हमारे पास हुई है, ठीक है। तो मतलब प्रोसीजर सेम है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज नेचुरल गैस, ठीक है, गिव इट्स यूजेस, ठीक है। तो नेचुरल गैस क्या है, आपने बता दिया डेफिनेशन, बनी कैसे, और अब इसकी बारी है यूजेस। देखिए, पाकिस्तान में नेचुरल गैस एज कम्पेयर टू अदर कंट्री सस्ती है। नेचुरल गैस वैसे भी एक सस्ता सोर्स है एज कम्पेयर टू कोल, और कोल में हमारे पास खपाई ज्यादा है, उसको कैरी करना और बहुत सारी चीजें हमारे मुश्किल हो जाती हैं।
तो जो नेचुरल गैस है, अगर उसके हम यूजेस की बात करें तो पाकिस्तान में उसको ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो हमारे पास यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में इसको यूज़ किया जाता है इन सीमेंट इंडस्ट्री, हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अमाउंट इसकी एक और जगह यूज़ की जाती है, दैट इज़ डोमेस्टिक पर्पस, मतलब हमारे घरों के अंदर भी जो कहने के नेचुरल गैस है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और सोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पावर जनरेशन के जो पावर जनरेशन है, मतलब बिजली बनाना या इस तरह के कामों के अंदर हमारे पास जो नेचुरल गैस है उसको बड़ा यूज किया जाता है। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो या पावर जनरेशन हो या सीमेंट प्रोडक्शन हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, ठीक है, तो ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज के अंदर ही हमारे पास नेचुरल गैस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए नेचुरल गैसेस के यूजेस, और ये हमारे पास हो गई उसकी कंपोजिशन के वो कैसी है और कैसे बनी है, तो ये हमने एक्सप्लेन कर लिया, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हमारे पास आता है। अच्छा, नेचुरल गैस तो हमारा क्लियर हो गया। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज पेट्रोलियम, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी जल्दी से हम कवर कर लेते हैं कि उसको हम कैसे याद करेंगे। देखें, पेट्रोलियम हमारे पास यहाँ पे दो वर्ड हैं। पेट्रोलियम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं दोनों दो चीज़ों को इकट्ठा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड यूज होते हैं, दैट इज पेट्रोलियम और दूसरा जो लफ्ज है हमारे पास वो है हमारे पास क्रूड ऑयल। देखिए, जब हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की, तो ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट है, मतलब जो जमीन है उसके ऊपर वाली तय। अब यहाँ इसके नीचे बहुत सारी रॉक्स हैं जिनको हमने क्या नाम दिया था, सेडिमेंट्री रॉक्स, और इन रॉक्स के दरमियान यहाँ पे बहुत ज्यादा एक चीज प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑयल। ओके, अब याद रखिएगा जो भी चीज जमीन से निकली है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिनरल, तो क्योंकि ये ऑयल जमीन के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ से हम ड्रिलिंग करके ही इसको निकालते हैं, तो इस ऑयल को मैं नाम दे देता हूँ मिनरल ऑयल। तो मतलब हमारे पास अर्थ के अंदर बहुत सारा ऑयल प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं मिनरल ऑयल। अब इस मिनरल ऑयल को जब ड्रिलिंग करके निकाला जाता है तो इसका जो कलर होता है वो हमारे पास होता है ब्लैकिश, और ये बड़ा गंदा सा ऑयल होता है हमारे पास, मतलब ये रिफाइन नहीं हुआ होता बल्कि रॉ फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लैकिश ऑयल होता है और किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रॉ फॉर्म के अंदर होता है एंड नॉट रिफाइंड, और ये रिफाइंड नहीं होता। तो ऐसा मिनरल ऑयल जो कि रॉ फॉर्म के अंदर हो और रिफाइंड ना हो उसको फिर हम बोल देते हैं क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो कि डायरेक्टली हमने जमीन से निकाला है, अभी तक हमने उसको साफ नहीं किया, मतलब उसको रिफाइन नहीं किया। ओके, तो उसको हम बोलेंगे क्रूड ऑयल। लेकिन अगर हम क्रूड ऑयल को, इस क्रूड ऑयल को रिफाइन कर लें, मतलब इसकी सफाई कर लें, ठीक है, तो जो रिफाइंड हमारे पास ऑयल होगा या मिनरल ऑयल को अगर हम रिफाइन कर लें तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे, पेट्रोलियम, ठीक है। तो मतलब पेट्रोलियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम, और क्रूड ऑयल को कैसे डिफाइन करेंगे, द रॉ ब्लैकिश मिनरल ऑयल विच इज नॉट रिफाइंड इज कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। तो ये थोड़ी सी बेसिक डिफरेंस आपने जहन में रखना है। एक और जो चीज़ हमारे जहन में आती है, जब भी हम पेट्रोलियम सुनते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की बात हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम असल में मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। पेट्रोलियम असल में क्या है, मिक्सचर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, अब इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या चीज़ें, किस किस चीज़ का ये मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत सारे लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आ जाते हैं, इसके अंदर कुछ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आ जाते हैं, और इसके अंदर कुछ गैसेस भी हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। पेट्रोलियम हमारे पास असल में इनका मिक्सचर है, लेकिन ज्यादातर इसके अंदर जो फॉर्म प्रेजेंट है दैट इज लिक्विड। अब इस लिक्विड के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या आ जाता है, इस लिक्विड के अंदर हमारे पास पेट्रोल भी आ जाता है। पेट्रोल का दूसरा नाम क्या है, गैसोलीन।
इसी के अंदर हमारे पास डीजल ऑयल भी आ जाता है, ठीक है, डीजल ऑयल कह लें या फिर आप कह लें कैरोसिन ऑयल, तो ये भी हमारे पास इसी के अंदर आ जाता है। इसी के अंदर हमारे पास एक और लिक्विड आ जाता है, दैट इज पेट्रोलियम ईथर, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास एक सॉलिड आ जाता है, दैट आर कॉल्ड एज पैराफिन। इसी के अंदर हमारे पास एक और चीज आ जाती है, दैट आर कॉल्ड एज वैक्सिस। मतलब असल में पेट्रोलियम इज द मिक्सचर, बहुत सारी चीजों का ये मिक्सचर है, ये सिर्फ पेट्रोल नहीं है, ओके। तो ये थोड़ी सी बातें तो हमें क्लियर हो गई कि पेट्रोलियम क्रूड ऑयल में इन दोनों चीजों में क्या फर्क है, और पेट्रोलियम सिर्फ लिक्विड नहीं है, एक पेट्रोल नहीं है, इस असल में ये हमारे पास एक मिक्सचर है। अब पेट्रोलियम कैसे बना, क्रूड ऑयल कैसे बना, वंस अगेन वही कहानी है, दोबारा नहीं बताने वाली, कि हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर था, उसकी डिकम्पोजिशन हुई और बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन हुए, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बने, ये कुछ लिक्विड सोर्स चीजें हमारे पास पैदा हुई जिनका मिक्सचर था, और उस मिक्सचर को हमने क्या नाम दे दिया, पेट्रोलियम का। अच्छा, अब पाकिस्तान में टेक्निकल तो होगा, लेकिन आपको पता ज्यादातर ये अरब कंट्रीज के अंदर, अमेरिका के अंदर, रशिया के अंदर ये ऑयल बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। पाकिस्तान बहुत सारा ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है क्रूड ऑयल की फॉर्म में, ठीक है, और क्रूड ऑयल को फिर लेके आता है और उसको फिर रिफाइन करके पेट्रोलियम हासिल करता है, और फिर आगे उसके फर्दर पेट्रोल उससे निकालता है, डीजल ऑयल, मतलब सारी चीजें उससे फिर पाकिस्तान एक्सट्रैक्ट करता है। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो रिफाइनरीज हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं और वो क्या काम करती हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर टोटल कितनी रिफाइनरीज हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है और वो कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपकी बुक जब छपी, बहुत पुरानी छपी हुई है आपकी बुक, तो उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के अंदर चार ऑयल रिफाइनरीज हैं, तो हम उन चारों को डिस्कस करेंगे, लेकिन लेटेस्ट तो यही है, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 8 से ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज हैं, 8 तो कन्फर्म है ना, तो 8 ऑयल रिफाइनरीज जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, आप ऐसे ही टेबल बना के लिख लें इसको, इससे आपको ज़रा आसानी हो जाएगी, ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। इस टेबल को आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द डिटेल ऑफ ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, तो आप सिर्फ ये टेबल भी बना देंगे तो बहुत अच्छा है। आप इस टेबल को कैसे ड्रा कर सकते हैं, मैं कॉलम बनाता हूँ, पहला कॉलम हो गया हमारे पास सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम हो गया नेम ऑफ ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, तीसरा उसकी हमारे पास होगी लोकेशन कि वो कहाँ पे है, और चौथा कॉलम जो हमारे पास हो गया वो हमारे पास हो गया अबाउट इट्स कैपेसिटी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि वो कितना ऑयल जो है वो रिफाइन कर सकता है। तो सबसे पहली जो ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है अटक ऑयल रिफाइनरी। अटक ऑयल जो रिफाइनरी है हमारे पास, ये पाकिस्तान की एक ऐसी ऑयल रिफाइनरी है जो कि रावलपिंडी के करीब वाक्य है, और रावलपिंडी के करीब इलाका है एक मोर का, रावलपिंडी, और इसकी जो हमारे पास कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन टन पर एनम है, ठीक है, टन। तो पाकिस्तान की ये जो पहली ऑयल रिफाइनरी है, दैट इज अटक ऑयल रिफाइनरी, मोरगा रावलपिंडी में है, और इसकी जो कैपेसिटी है ये 1.2 मिलियन टन जो है ऑयल को रिफाइन कर सकती है एक साल के अंदर अंदर ही, ठीक है। और जो दूसरी ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान की, उसका वो दोनों दो ऑयल रिफाइनरी है असल में, एक का नाम है कराची ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, और दूसरे का जो नाम है वो हमारे पास है नेशनल ऑयल रिफाइनरी। आपकी बुक ने सिर्फ नेम मेंशन किया कि ये कहाँ पे हैं, ये दोनों ऑयल रिफाइनरी जो हैं ये कराची के अंदर ही हैं हमारे पास, ठीक है, कराची के अंदर काम कर रही हैं, और इन दोनों की अगर कैपेसिटी देखी जाए तो 2.13 मिलियन टन पर एनम, तो ये हमारे पास एक साल के अंदर 2.13 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल को ये रिफाइन कर सकती हैं, ठीक है। तो ये दो रिफाइनरी हमारे पास हो गई, सॉरी ये दोनों होंगी, और एक ये तीन, अब जो आपकी बुक के मुताबिक ये दो और तीन होगी। चौथी जो ऑयल रिफाइनरी है वो हमारे पास है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। पाक अरब ऑयल रिफाइनरी को आप पारको के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पाक अरब ऑयल रिफाइनरी जो हमारे पास है, ये हमारे पास है मोहम्मद कोट मुल्तान में,
इसकी कैपेसिटी आपकी बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको सर्च किया था, ये अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बैरल्स पर डे, ठीक है, ये इतनी ऑयल रिफाइनरी इसकी कैपेसिटी है। तो मतलब इस हिसाब से इसकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 1 मिलियन टन पर एनम से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब बाकी फर्दर इसकी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं बैरल के हिसाब से कि एक बैरल के अंदर कितने टन हमारे पास ऑयल आ जाता है। तो बेसिकली ऑयल रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान के अंदर, आपके बुक के अंदर 4 मेंशन है, तो हम इन चारों को ही जेहन में रखना है, ठीक है। तो ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, पहली कौन सी? अटक, दूसरी कराची नेशनल, दोनों होगी, और तीसरी चौथी हमारे पास होगी पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। आपने इनकी जो ये जो वैल्यूज हैं कैपेसिटी, इनको एमसीक्यूज के तौर पे याद रखिएगा, और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, डिस्कस द ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान, या फिर आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम, ओके। तो ये हमारे पास आ सकता है, और उसके अलावा हमारे पास क्या था? नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस हमारे पास क्या हैं और उनके सोर्सेज हमारे पास क्या हैं, ओके। तो ये हमारे पास आप कह लें कि इनिशियल ही था, एक इंट्रोडक्शन टाइप है, ये आपने मैटर के अंदर भी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं बेसिकली वो एक नई चीज़ें हैं सारी की सारी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। तो इसको ज़रा आप अच्छे से देख लीजिएगा सारे टॉपिक्स को पिछले जो हैं, अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ मिलते हैं, और फिर हम ये सीखेंगे कि डीजल ऑयल को किस तरह से या कैरोसिन ऑयल को किस तरह से हम पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर पेट्रोल की क्वालिटी या फिर कोई भी हमारे पास फ्यूल है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स कौन सी हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को रिवाइज कर लें, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अच्छो अल्लाह।